वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग देख सकते हैं हम लोग केएनआईटी का मेघनाथ हॉस्टल का हम लोग रूम टूर ला चुके हैं। सो चलो रूम दिखाता हूँ आप लोग को बढ़िया, यहाँ पे कैसे रूम है इस हॉस्टल में। सर यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए, जैसे कि हम लोग थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर के लिए तीन हॉस्टल्स हैं, एक एमएनएस है, सो जिसमें हम लोग अभी आप लोग को मैं रूम दिखाने वाला हूँ। ओके चलो अच्छे से दिखाता हूँ रूम भाई का। सो भाई यार स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले हर एक मतलब तीन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब तीन भाई हमारे यहाँ पे, तो तीनों के लिए एक एक बेड, एक एक तखत, टेबल प्लस चेयर, और यहाँ देख सकते हैं ये अलमीरा मिला हुआ है। ओके सो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, बाकी मतलब ओवरऑल सही है सब कुछ। और ये बोर्ड हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, और ट्यूबलाइट्स वगैरह देख सकते हो, और दो पंखे हैं, मतलब ये तीन लोग के लिए है ये। ओके सब कुछ लंबा सा है, सही अच्छा सा, अराउंड 600 या 500 स्क्वायर फीट तो होगा ये आराम से। और ये अलमेरा है और एक कपड़े वपड़े रखने के लिए, और ये आप लोग को सही से दिखाता हूँ डेस्क वगैरह, टेबल की डेस्क वगैरह, ये सब ये मतलब ये दिया गया है। और आप लोग को ये ऐसे कुछ चेयर मिलेगी, और बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ, जाली लगी हुई है ताकि मच्छर अच्छर ना आने पाए, बाकी अभी शाम का टाइम है और हमारे भाई भी बिजी हैं एकदम। ये फोटो किसकी है? जय कृष्ण मूर्ति। क्यों भाई बात करते हैं अपने भाई से, मैं तो यार बाहर रहता हूँ, मेरी स्टोरी अलग है क्योंकि मेरे को दिक्कतें फेस हो रही थी स्टार्टिंग के ईयर्स में। बाकी भाई आप भाई बताओ कि कैसा रूम लगता है आपको? यहाँ के रूम तो काफ़ी सही हैं यार, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं एमएनएस में, बाकी जितने भी थर्ड ईयर के हॉस्टल है वहाँ पे टाइल्स वगैरह नहीं है। हाँ। और यहाँ पे शांति भी काफ़ी रहती है। शांति है अच्छे से? हाँ। पढ़ाई वगैरह हो जाती है अच्छे से? हाँ, पढ़ाई यहाँ डिस्टर्बेंस भी काफ़ी कम है, क्योंकि ओल्ड वीएस में तो कोर्ट है, बाहर टेनिस कोर्ट है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा हल्ला रहता है, यहाँ पे काफ़ी शांति रहती है। बाकी यहाँ माहौल भी बढ़िया है, अगल बगल पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं, अच्छा टूरिस्ट वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। और कोई दिक्कत तो नहीं आती? दिक्कत नहीं है सच, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे हमें बाहर दूसरे मतलब हॉस्टल जाना पड़ता है मेस के लिए। अच्छा मेस के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट में तो वहाँ फाइनल ईयर का भी आता है, जस्ट सामने ही ना, जैसे कि मैंने बताया बस बस बगल में ही है, सामने ही है, तो मेस के लिए यहाँ मतलब भाई लोग को उधर जाना पड़ता है। बाकी इस हॉस्टल में मेस है कि नहीं? इस हॉस्टल में है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सेम प्रॉब्लम यार हम लोग को फर्स्ट ईयर में हुई थी, मतलब वहाँ का मतलब ज़्यादा दूर नहीं है मैं, जस्ट नीचे उतरोगे बिल्डिंग से मतलब सामने ही है। सो सेम वहाँ पे है, मतलब यहाँ पे तीन हॉस्टल हैं, एक आर्यभट्ट है, एक एमएनएस है और एक विक्रम साराभाई है। सो विक्रम साराभाई सबसे बड़ा हॉस्टल है और ये एमएनएस भी मतलब छोटा है, बाकी आर्यभट्ट में मेन मैच चलता है, यहाँ के सारे मतलब लोग हैं सब उसी में जाते हैं, राइट? सही कहा ना? सो यही है भाई। और बाकी पानी वानी की, पानी के बारे में बताओ? पानी के लिए अभी तो हमें उधर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ का भी फिल्टर है और कूलर है वो सही रहेगा, जो वाटर कूलर। अच्छा तो ठंडा पानी मिलता है अच्छे से? हाँ हाँ ठंडा आएगा, अभी मतलब सही नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिन में, हम लोगों ने शिकायत करी थी तो सही हो जाएगा। अच्छा ऐसे किसी को और कूलर वगैरह लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लगाया ऊपर सेकेंड ईयर रहता है उसमें लगाया। अच्छा अच्छा कुछ भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई पूछते हैं हॉस्टल की मतलब फीस कितनी है यहाँ पे, जो कितनी देनी होती है? हॉस्टल की फीस यहाँ पे 10,000 है, मतलब एक साल में एक बार जमा होती है। एक साल की 10,000? हाँ मतलब एक बार जमा होगी, इसके बाद नहीं जमा करनी होती। तो फीस के साथ होती है? हाँ वो फीस के साथ, जैसे 57,000 के अराउंड फीस है, उसमें 10,000 ऐड होके 67,000 जमा हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देना नहीं होता है। बाकी जो हॉस्टल मतलब हॉस्टल फीस होगी, मेस फीस जो है वो हमें एक बार में 20,000 जमा करनी होती है, 20,000, तो उसको जमा कर दिया 20,000, तो उसके बाद हमें 4-5 महीने लगभग वो चलता है, उसके बाद फिर देना होता है, मतलब हर महीने लगभग 4,000 रुपए कटता है। 40,000 मेस का है और 10,000 हॉस्टल का है, तो 40 + 10 = 50,000 मतलब यार मेस प्लस हॉस्टल दोनों यहाँ पे पड़ता है। ओके पूरे एक साल की ये मतलब फीस है, बाकी अगर फोर ईयर्स की करोगे तो 4 से 2 कर दो, 4 × 4 160,000 के अराउंड फिर कुछ पड़ेगा। ओके सो 4 ईयर्स की यहाँ मेस प्लस हॉस्टल की फ्रेंड्स आप लोग की फीस रहने वाली है, मेस प्लस हॉस्टल की। बाकी ट्यूशन फीस में मतलब वही रहती है 67,750। ओके
ये रहती है उसमें सब कुछ, मतलब इसमें हॉस्टल की सिर्फ इंक्लूडेड है, इसमें यह मत समझना कि उसमें हम मेस की इंक्लूडेड है, सिर्फ हॉस्टल की 10,000 क्या, अगर आपको फॉर एग्जांपल बाहर रहना है तो 57 कर दोगे, 67 से 57 कर दोगे, सिर्फ उसमें हॉस्टल की इंक्लूडेड है, बाकी मेस की आप लोग को क्या मतलब उसका बिल अलग से देना होता है। हाँ, वो 20,000 स्टार्टिंग में सबसे पहले उसी को जमा करना होता है 20,000, उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं, जैसे 20,000 में पहले जमा कर दिया, उसके बाद ही इंस्टीट्यूट का 67,000 जमा होता है। ये पहले जरूरी है, फिर जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ईयर में यही पता है अरे अबाउट हॉस्टल में, बाकी फिर मैंने छोड़ दिया तो उसका ही मतलब तब यही प्रोसीजर था, मतलब पहले हॉस्टल आपको अलॉट कराना ही होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट पहले जरूरी है, फिर जाके आप कॉलेज की फीस दे दो चाहे ना दो, एक दो महीने बाद दो, ऐसा होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है, पहले इसको जमा करना है ना। अच्छा, क्या ये मतलब फीस देनी का होती है हॉस्टल और मेस की? ये अच्छा हॉस्टल की तो ठीक है, मेस की कहाँ देनी होती है? वार्डन पे? हाँ, मतलब DSW है ना वहाँ पे। अच्छा, DSW करके एक ऑफिस है, वहाँ जमा होती है। अच्छा, DSW ऑफिस में। बाकी यहाँ बैंक है, PNB का अपना कॉलेज का PNB बैंक है, BOB बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, वहाँ पे जमा होती है फीस। अच्छा, फीस वहाँ जानी है, स्लिप मिल जाएगी, फिर स्लिप वगैरह ला के और DSW में जमा करना होता है इसको। अच्छा, स्लिप को DSW ऑफिस में जमा करना। और यहाँ पे वार्डन वार्डन का क्या सीन है? जैसे मान लो भाई कोई अगर कोई दिक्कत हो गई, जैसे लाइट पट चली गई, किसी ने लाइट तोड़ दिया, मतलब कोई भी मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका क्या सीन है? उसके लिए हमें एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है कि एप्लीकेशन लिख के हम DSW वगैरह दे आएंगे। अच्छा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है, सही हो जाता है। अच्छा अच्छा, सही हो जाता है, मतलब थोड़ा अपनी तरफ से वो लगाना पड़ता है, एक बार में नहीं सही होगा, बार बार जाना पड़ता है, दो तीन बार, लेकिन वो सही हो जाता है। अच्छा, दो बार जाने से, दो बार मतलब बताने से सही हो जाता है। हाँ, बताने से सही हो जाता है। और आप लोग के डीन सर कैसे हैं? डीन हम लोगों के जैसे अभी ES पांडे सर थे, अब शायद चेंज हो गए हैं, तो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप के, लेकिन बढ़िया टीम है। ठीक है। और साफ सफाई का क्या है, मतलब पूरे हॉस्टल में साफ सफाई? हमारे MNS हॉस्टल में तो सही है, बाकी ओवरऑल साफ सफाई यहाँ सही रहती है, मतलब सफाई जो करने वाले अंकल हैं वो रेगुलर आते हैं, हफ्ते में एक से दो दिन आ जाते हैं, और सफाई कर सफाई होती रहती है, तो सफाई में कोई वो नहीं है, गंदगी नहीं मिलेगी आपको। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग छत पर जाओगे तो आप लोग को बहुत फ्रेश और अच्छा फील होगा, पेड़ वगैरह काफ़ी लगे, एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा है, एकदम शामिंग और एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, अगर आप शाम को निकलोगे तो, जैसे कोई शांति में रहना पसंद करता है तो यहाँ आ सकता है MNS। बाकी ओल्ड VS भी बढ़िया हॉस्टल है, मैक्सिमम बच्चे वहीं जाते हैं ओल्ड VS। अच्छा, क्योंकि वहाँ सीट्स भी ज़्यादा है ओल्ड VS में। अच्छा, ओल्ड VS ये सामने वाला है ना? हाँ। अच्छा, एकदम सामने। तो ओल्ड VS भाई अभी बंद नहीं हुआ, मतलब पड़ा हुआ है वो, फर्स्ट ईयर वाले शायद आने वाले हैं उसके लिए। नहीं नहीं, वो REC जो बंद है, कोई REC नया खुला है ना। हाँ। REC प्रतापगढ़। अच्छा, वहाँ के बच्चे मतलब यहाँ आएंगे। REC मतलब REC प्रतापगढ़ में कुछ काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का। अच्छा, तो वहाँ के बच्चे यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। REC प्रतापगढ़ नया खुल रहा है। तो वो क्या रहेगा, मतलब वो हॉस्टल है? नहीं नहीं, तो वहाँ पे भी हॉस्टल वगैरह बने नहीं है अच्छे से, तो वहाँ के बच्चे यहाँ शिफ्ट होंगे, तो उनकी फैकल्टी आ रही है, यही रहेगी? नहीं नहीं, फैकल्टी नहीं, बच्चे जो है हॉस्टल जो यहीं आएंगे यहीं पढ़ेंगे कुछ समय के लिए, जब तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वगैरह चल रहा है, पढ़ेंगे यहीं पे। अच्छा, मतलब क्लासेस उनकी यहीं चलेंगी, क्लासेस उनकी यहीं रहेंगी ना, मतलब टीचर्स भी यहीं पे आएंगे। अच्छा, मतलब फैकल्टी मतलब उनकी गाइस यहाँ पे शिफ्ट होगी, REC कोई प्रतापगढ़ है, मतलब कोई शायद मेरे को आइडिया नहीं था, भाई को आइडिया है। हाँ, नया 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 खुला हुआ REC प्रतापगढ़, जैसा कि भाई ने बताया कि मतलब जो वहाँ की मतलब अभी काम वहाँ की मतलब मरम्मत सही से नहीं हुई है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे और यहीं पे मतलब फैकल्टी उनकी चलेगी, टीचर्स उनको यहीं पे बढ़ाया करेंगे। ओल्ड मतलब जो VS विक्रम साराभाई, जिसमें मैं फर्स्ट ईयर में रह चुका हूँ, उसी हॉस्टल की बात कर रहे हैं हम लोग, सो उसमें मतलब बच्चे शिफ्ट किया जाएंगे REC प्रतापगढ़ के, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि मतलब शायद नया खुला है, मेरे को आइडिया नहीं था, भाई ने बताया, बाकी अभी मैं रिसर्च करूंगा उस कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट फीस सब कुछ वीडियो अलग से बना दूंगा। सो गाइस, यार यहाँ पे अपने भाई लोग भी आ चुके हैं, दो भाई और आ चुके हैं, सो यार इन लोग से और कुछ मतलब अच्छे से बात करते हैं और पता नहीं आ रहे हैं। हेलो गाइस, हम जैसे कि बात करते हैं वाईफाई के बारे में, सो भाई वाईफाई के बारे में बताओ, यहाँ पे इस हॉस्टल में MNS में वाईफाई लगा हुआ है कि नहीं? MNS में यार देखो वाईफाई राउटर दिए गए हैं। हाँ। वाईफाई राउटर हैं, इस समय इसकी सर्विस अनअवेलेबल है, इसकी सर्विस नहीं मिल रही हमको। हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट किया DSW में। हाँ। कई बार हम लोग बोलते हैं जाके तो बोलते हैं कि हो जाएगा, काम चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग 19 तारीख को कंप्लेंट किए थे, आज हो गया तारीख कितना, आज 24 तारीख हो गया, ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए, कुछ भी हुआ नहीं है। हाँ। देखते हैं कब तक होगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब डिवाइस है वाईफाई की, लेकिन वो मतलब
उसमें नहीं है, वर्किंग में नहीं है, वर्किंग नहीं, रिचार्ज खत्म हो गए, रिचार्ज नहीं करवाया नहीं जा रहा, रिचार्ज मतलब कॉलेज नहीं करवाया है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे। और जैसे और कौन सा है वाईफाई मतलब यहाँ कोई और पकड़ता है फोन पे? नहीं नहीं जो भी है वो भी रिचार्ज नहीं है बता नहीं। अच्छा आर्यभट्ट में भी वाईफाई लग रहा है तो देखते हैं कि एमएनएस में अगर लग जाए तो अच्छी बात है। आर्यभट्ट में से काम चल रहा है। अच्छा आर्यभट्ट में, आर्यभट्ट में करंट में काम चल रहा है वाईफाई का। एमएनएस में अभी मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है।